जल्दी अरे वाह। तो बताइए कि क्या कुछ फील करती हैं आपकी जो भी फिल्में आ रही हैं, जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, हाँ बहुत ही चर्चा में इन दिनों है, पूजा जी एंड साउथ, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तमिल, सब में बहुत ही बिजी शेड्यूल। तो बताइए कि कैसे कैसे देखती हैं इन सारी चीज़ों को? कौन सा मतलब किस बारे में He wanted to ask a simple question कि आज आप पैन इंडिया स्टार कहला रही हैं जो आप थैंक बहुत यू। यू आर नॉट वेरी नो, आई एम कॉन्फिडेंट ओके विद पैन इंडिया स्टार, दैट्स नॉट द इश्यू। इट्स जस्ट दैट आई एम हैप्पी कि वो ऑर्गेनिकली हो गया है। जो पैन इंडिया, आई हैव डन माई वर्क इन हिंदी, आई एम वर्किंग इन तमिल, आई एम वर्किंग इन तेलुगु, और वो ऑटोमेटिकली हो गया है। एंड आई होप कि आई गो इवन फर्दर टू अदर इंडस्ट्रीज। राधे श्याम आई है, लोगों को बहुत ही पसंद आ रही है, स्पेशली जो आपका किरदार है वो लोगों को बहुत पसंद आया। थैंक यू। कैसे देखती हैं आप, कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जो कैरेक्टर है प्रेरणा, उनको बहुत पसंद आया और मेरा परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया। क्योंकि हमेशा तो मैं सुनती हूँ कि दैट बहुत अच्छी दिखती है आप स्क्रीन पे, स्क्रीन प्रेजेंस के बारे में बात तो करते हैं, बट इस बार परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं, इमोशनल सीन्स के बारे में बात कर रहे हैं। एंड दैट इज़ समथिंग कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एज एन एक्टर वी ऑलवेज यर्न फॉर दैट काइंड ऑफ रिएक्शन, और क्रिटिक्स को मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है। सो दैट इज़ वेरी वेरी आई एम लाइक थैंक गॉड समथिंग। पूजा, हमेशा ये कहा जाता है कि पूजा ने प्रभास के साथ काम किया, पूजा ने रामचरण के साथ काम किया, पूजा ने इसके साथ किया। व्हेन दिस इज गोइंग टू चेंज दैट रामचरण ने पूजा के साथ काम किया या सलमान ने पूजा के साथ काम एक काम करो, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर हाँ इंटरव्यूइंग देम यू आस्क देम दिस क्वेश्चन। ओ यू आई डिड, डिड दैट ओके ओके व्हेन प्रभास ओ वाज सिटिंग देयर। चलो, वेरी गुड, बिकॉज ओनली द जर्नलिस्ट कैन चेंज द नैरेटिव। बट आई होप ऐसा हो और कंटिन्यू हो। थैंक यू। पूजा जी कितना बिजी शेड्यूल रहने वाला है आपका, क्योंकि अब बैक टू बैक एक साल में 5 फिल्में आ रही है, ऐसे सब बातें कर रहे हैं कि अक्षय कुमार जी को टक्कर देने वाली है ओ माय गॉड, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऑफ कोर्स अक्षय सर का जो वर्क एथिक है इज़ रियली इंस्पायरिंग, बिकॉज वो इतना बिजी रहते हैं। एंड आई थिंक दैट्स समथिंग दैट आई वुड लाइक टू डू। बट आई फील इस ये जो दिस ईयर मैंने जो 3 साल में जो काम किया है, उसका उसका रिजल्ट्स यू विल सी दिस ईयर। क्योंकि अगर बीस्ट इज इफ वे टॉकिंग अबाउट बीस्ट, और वे टॉकिंग अबाउट आचार्या, वे टॉकिंग अबाउट अभी राधे श्याम तो रिलीज हो गई है, बट दीज आर फिल्म जो हैव ऑलरेडी शॉट इन द कोर्स ऑफ द लास्ट 3 to 4 years और अभी रिलीज हो रही है। ऑफकोर्स कभी ईद कभी दिवाली आई एम गोना स्टार्ट वेरी वेरी सून विद सलमान, एंड होपफुली वी मेक दैट लाइक बाई डिसम्बर वी आर रिलीजिंग दैट टू। दबंग 2 के बारे में अगर बात करें, क्योंकि काफ़ी चर्चा है और जिस तरीके से वहाँ के ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया और बहुत खुश थे, क्योंकि पैंडेमिक के बाद इस तरह का बड़ा करेक्ट। शो यू नो यू गाइस हैड टेकन देयर। आई फील जो एक लाइव ऑडियंस का जो एक एनर्जी रहता है वो बहुत ही अलग होता है। लाइक व्हेन यू परफॉर्म एज अ परफॉर्मर ऑन स्टेज, और मेरा जो एक्ट था आई थिंक 8 मिनट का एक्ट था, तो टू बी एबल टू डू दैट, और बहुत ही हाई एनर्जी एक्ट था, क्योंकि आई वॉज परफॉर्मिंग ऑन सीटी मार, आई वॉज परफॉर्मिंग ऑन भुट्टा बम्मा, गेंदा फूल, एंड यू नो दीज वेरी वेरी हाई एनर्जेटिक एक्ट्स। एंड जस्ट टू हियर द ऑडियंस, टू फील द एनर्जी, आई मिस्ड इट, आई रियली मिस्ड इट। क्योंकि पैंडेमिक में तो वी डिडंट मीट एनी बडी, सो आई वॉज रियली हैप्पी टू बी परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। एंड बहुत ही अच्छा लगा कि लोगों ने आई मीन द क्लिप्स द दैट वी दैट वर रिलीज वायरल हो गए थे, एंड सब एवरी वन वॉज कॉमेंटिंग केमिस्ट्री अच्छा है। एंड आई थिंक दैट्स गुड, क्योंकि वो थोड़ा एक टीजर जो था हमारी फिल्म के लिए वो सक्सेसफुल हो गया। जो साउथ इंडस्ट्री में आपने इतना काम किया है, अभी हिंदी इंडस्ट्री में भी यू हैव द बेस्ट
बेस्ट फिल्म्स हम लोग अभी देख पा रहे हैं। सो वर्क कल्चर की अगर बात करें, साउथ में कहते हैं कि हर घर ओन करता है आपको, मतलब वहाँ तो मंदिर बन जाता है। तो अभी दोनों जगह आप काम कर रहे हो, सो क्या एक्सपीरियंस थोड़ा बताया? आई मीन वहाँ के फैंस जो है बहुत ही सिनेमा उनके लिए एक रिलीजन रहता है। अगर आप सोचो कि एक फिल्म मतलब अभी तो हिंदी में भी रिलीज़ होता है, लेकिन पहले अगर एक फिल्म 100 करोड़ बना रही है, 200 करोड़ बना रही है, तो आप सोचो कि सिर्फ वो सिर्फ आंध्रा तेलंगाना से, तभी तो एक ही तो स्टेट था, एंड दे वो मेकिंग सो मच मनी, क्योंकि वहाँ के जो ऑडियंस है वो एक फिल्म 2-3 बार देखते हैं। तो उनके लिए फिल्म्स एक रिलीजन है, पैशन है, और इसलिए उन स्टार्स बहुत, मतलब वो बहुत ही अपना मानते हैं, और वो बहुत ही प्यार करते हैं अपने अपने स्टार्स से। एंड आई एम रियली हैप्पी